यहाँ पे जो ऊपर आप एप्लीकेशन देख रहे हो उसका नाम है रैपिड रुपी एप्लीकेशन। ये हमें गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन से हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाता है। अगर आप भी इस एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेने का सोच रहे हो तो आपको कुछ बातें जाननी पड़ेगी, क्योंकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आप कुछ बातें जान लोगे तो आप इस एप्लीकेशन के बारे में जो सारी डिटेल है आपको पता चल जाएगी। क्या ये एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर है, ये एप्लीकेशन से हमें कितना लोन मिल पाएगा, उसका क्या टेन्योर है, इस यहाँ पे हमें लोन लेने के लिए क्या क्या KYC डॉक्यूमेंट देने होंगे, ये बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिल जाएगी। तो आप इस एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले ये वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद आप इस एप्लीकेशन से लोन लेने का सोच सकते हो। पहले इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल आप समझ लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। बहुत सारे लोग चैनल पर वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मेरी आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी हमारे वीडियो बनेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रैपिड रुपी एप्लीकेशन से हम इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं। यहाँ पे जो इंस्टेंट पर्सनल लोन होगा वो 15 मिनट के अंदर ही हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ से लोन लेने के लिए हमें कम से कम मिनिमम अमाउंट होगी वो 1,000 रुपये से 60,000 रुपये तक ही होगी। ना तो हम 60,000 रुपये से ऊपर पैसा ले सकते हैं, ना तो हम 1,000 रुपये से कम वाला अमाउंट इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। यहाँ पे हम सैलरी की बात करेंगे तो इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेने के लिए हमारी मिनिमम सैलरी यहाँ पे 10,000 रुपये होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय भी होंगे तो इस एप्लीकेशन से हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाएगा, इसकी कोई अभी यहाँ पे परेशानी नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें हमारी सैलरी स्लिप नहीं है तो हम क्या करें, क्या ये एप्लीकेशन से हम सेल्फ एम्प्लॉय है तो क्या लोन ले सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन से आप आराम से, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो आप आराम से लोन ले सकते हो। इस एप्लीकेशन से लोन अमाउंट टेनोर की अगर हम बात करेंगे तो हमें 2 महीने से 1 साल तक का वक्त हमें यहाँ पे मिल जाता है। जो टेनोर है वो हमें मिल जाएगा, जो कि हमारा जो भी लोन अमाउंट होगा वो हम 1 साल में पेड कर सकते हो, उसका सारा का सारा रीपेमेंट। यहाँ पे इस एप्लीकेशन की एक खास बात है, इस एप्लीकेशन से जो भी लोन अमाउंट हम अप्लाई करेंगे वो 100% हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि बाकी की जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस रख लेते हैं, बाकी की प्रोसेसिंग फी रख लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस एप्लीकेशन से अगर हम 20,000 रुपये अप्लाई करेंगे तो 20,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, लेकिन जो प्रोसेसिंग चार्जेस और अदर एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो हमारे EMI में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। थोड़ा सा वहाँ पे अमाउंट एक्स्ट्रा बढ़ा के वो हमें रीपेमेंट के द्वारा वहाँ पे पेड करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है इस एप्लीकेशन की। तो हमें यहाँ पे 100% लोन यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी टाइमिंग यहाँ पे उसका ये नहीं है। आप 24 घंटे में आप रात के 12 बजे 1 बजे भी इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी, हमारा यहाँ पे जो एज है वो 18 साल होना चाहिए, हमारी सैलरी है वो 10,000 रुपये होनी चाहिए, और इस एप्लीकेशन का ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसके पहले से ही कस्टमर होने चाहिए। आप अगर एक न्यू फ्रेश कस्टमर हो फिर भी आपको आपके सिबिल स्कोर पे यहाँ पे लोन मिल जाएगा। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जिन एप्लीकेशन में हम पहले उनके मेंबर होने चाहिए, आपका सिबिल अच्छा होगा बढ़ेगा, उसके बाद आपकी लोन अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज कर दी जाती है। तो इस एप्लीकेशन में वैसा कुछ नहीं है, आपका सिबिल अगर स्ट्रांग हो, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो, तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपये से 60,000 रुपये का इंस्टेंट पर्सनल लोन यहाँ पे इस एप्लीकेशन से मिल जाएगा। लोन को अप्लाई करने के लिए जो हमें यहाँ पे KYC डिटेल, जो KYC डॉक्यूमेंट हमें देने हैं, वो डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे चाहिए, एक हमारा आधार कार्ड और हमारा पैन कार्ड, और उसके बाद हमारी एक लाइव सेल्फी इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट, एक आपका पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक आपकी सेल्फी। अब चलते हैं हम हमारे मेन मुद्दे पे कि क्या ये एप्लीकेशन NBFC रजिस्टर है।
बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर में हमें मिल जाएगी, वो एनबीएफसी रजिस्टर नहीं है, फेक है, लेकिन ये एप्लीकेशन यहाँ पे पांच बड़ी कंपनियों में, पांच बड़े एनबीएफसी में यहाँ पे रजिस्टर है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी बात है, जो भी लोन इस एप्लीकेशन से लेंगे उन लोगों को काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। पिछले साल ये एप्लीकेशन सिर्फ एक ही एनबीएफसी रजिस्टर थी, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग हमें हरास्ट कर रहे थे, हमारे जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे है उन कॉन्टैक्ट में ये लोग फ़ोन लगा के हमारी बातें बता रहे थे कि ये बंदे ने हमसे लोन लिया है लेकिन ये रीपेमेंट उसका नहीं कर रहा है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे उठ रही थी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कुछ बातें हो रही थी। तो अभी तो इस एप्लीकेशन का ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये पांच बड़ी कंपनी, पांच बड़े एनबीएफसी में ये एप्लीकेशन यहाँ पे रजिस्टर है। तो इससे लोन लेना आसान भी है और यहाँ पे थोड़ा सा सिक्योर भी हो गया है। लेकिन मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगा, आपको बहुत ही नीड हो, आपको बहुत ही अर्जेंट पैसों की ज़रूरत हो, तभी आप इसी एप्लीकेशन से लोन लेने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप कोई भी आपका ईएमआई, आपका रीपेमेंट यहाँ पे मिस करोगे तो ये एप्लीकेशन आपका पूरा का पूरा सिबिल, क्रेडिट हिस्ट्री खा जाएगी। उससे आपको फ्यूचर में जो भी लोन लेने हैं वो नहीं मिलेगा, आपको उस लोन लेने के लिए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। जब भी आपका बहुत ही यहाँ पे ख़राब कंडीशन हो, जब इमरजेंसी आपको लोन की ज़रूरत होगी, तब भी ही आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना